महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आईट टीवी को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू हेल्पिंग आई टीवी फ्रेंड्स अक्सर गर्भवती महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान भूख न लगने की समस्या हो जाती है जो गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास के लिए सही नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम कुछ भूख ना लगने के कारण और उपायों को जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भूख ना लगने के कारण प्रेगनेंसी में भूख ना लगने का पहला कारण होता है हार्मोनल असंतुलन जिसके फलस्वरूप जी मछलाता रहता है और कुछ खाने का मन भी नहीं करता दूसरा कारण होता है बच्चे के बढ़ते आकार के कारण पेट पर पड़ने वाला दबाव जिस वजह से कब्ज आदि की समस्या के रहते भूख बाधित हो जाती है तीसरा कारण है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है और चौथा कारण डॉक्टर द्वारा दी हुई आयरन की गोलियां खाने से काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से भी कम भूख लगती है तो चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं भूख बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके अधिक बार खाएं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान आपको सबसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है इस दौरान यदि आपको भूख कम लगती है तो आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं ताकि आपको और आपके शिशु में पोषण की कमी ना रहने पाए व्यायाम गर्भावस्था में ज़्यादा आराम मत करें हल्का फुल्का व्यायाम घर के काम करती रहें ताकि आपका खाना जल्दी जल्दी पचकर दोबारा से आपको भूख लगे वॉकिंग सुबह शाम वॉकिंग यानी टहलना जरूर करें यह आपके और आपके शिशु के लिए वैसे भी फायदेमंद है और यह आपकी भूख बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा फाइबर प्रोटीन युक्त भोजन आपको यदि कम भूख लगती है तो आप फाइबर प्रोटीन युक्त भोजन जैसे फल सब्जियां दालें दूध अंडा आदि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं ताकि आपके शिशु को जितने पोषण की जरूरत होती है वह उसे भरपूर मात्रा में मिल सके उसके पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए मनपसंद चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ खाएं जो आपको पसंद हो लेकिन वो चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपका रोज़ फास्ट फूड या जंक फूड खाने का मन हो तो आप रोज़ वही खाएं। हाँ कभी कभार टेस्ट बदलने के लिए आप इसे ज़रूर खा सकती हैं ताकि आपका मन अच्छा हो जाए वरना ऐसी हेल्दी चीज़ बनाएं जो आपको पसंद भी हो और आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पर...